नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। जिस तरह अमीर लोगों की कुछ आदतें, कुंडली की कुछ ग्रह स्थितियाँ एक जैसी होती हैं, वैसे ही उनके घरों में कुछ खास चीज़ें भी एक जैसी होती हैं। इन चीज़ों का संबंध वास्तु से होता है और उनसे मिलने वाली सकारात्मकता इन लोगों को सफल बनाने में अहम रोल निभाती है। अक्सर अमीरों के घर में पाई जाने वाली इन खास चीज़ों में कुछ पौधे भी शामिल होते हैं। ये पौधे इतने शुभ होते हैं कि बेशुमार पैसा, मान, प्रतिष्ठा, सफलता इनके घर चलकर आती है। आज हम पैसों के लिहाज से एक ऐसे ही शुभ, बेहद शुभ माने गए पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के मुताबिक ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो हमेशा छाए रहते हैं, जिन पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा रहती है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह पैसे कमाने के कई रास्ते खोज लेगा और अपनी बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करके उस धन का बढ़ाता जाएगा। इसीलिए घर में ऐसा पौधा ज़रूर होना चाहिए जो आप पर हमेशा माँ सरस्वती की कृपा बनाए रखें। यह पौधा है मयूर पंखी का पौधा। आम बोलचाल की भाषा में इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं, इसलिए इस पौधे को लोग किताबों में भी रखते हैं। वहीं अमीर लोग इस पौधे को अपने घर में इसलिए लगाते हैं ताकि उनको पॉजिटिविटी से वे तेज गति से सही निर्णय ले सके। इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाते ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। उसके बुद्धि चातुर्य से सारे काम बनने लगते हैं, उसे खूब पैसा मिलने लगता है। इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं। समय समय पर इसकी कटाई छटाई करके इसे संवारते रहने से आपके गार्डन घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।